सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के जवानों ने आज जम्मू के बाहूफोर्ट मंदिर के परिसर में सफाई अभियान चलाया। मंदिर को सफाई के लिए इसलिए चुना क्योंकि इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु राज्य से ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी आते हैं और उनको ये संदेश जाए कि हम लोगों को भी अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। वहीं सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल 7वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडर राजेश कुमार कुजूर ने अपने आसपास सफाई रखने के लिए कहा ताकि आपका मन स्वास्थ्य और आपके आसपास का वातावरण ठीक रहे। हम लोगों ने आज इस मंदिर को इसलिए चुना क्योंकि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं में एक संदेश दिए जाए कि समाज में साफ सफाई का कितना महत्व है। सर आपका नाम? मैं असिस्टेंट कमांडर राजेश कुमार कुजूर 7th बटालियन SSB बटोत। सर जैसे कि आज सफाई अभियान चला रहा है, क्या मेन मकसद है इसका? इसका मेन मकसद ये है कि लोगों के बीच सफाई का जो संदेश देना है, लोगों के बीच साफ सफाई रखे, सराउंडिंग में साफ रखे, यही संदेश देना है। किसकी तरफ से हो रहा है ये? हमारे SSB की तरफ से, यहाँ पे 7th बटालियन कमांडेंट 7th बटालियन की तरफ से। स्पेशली आपने मंदिर को ही क्यों चुना यहाँ पे? मेनली लोगों का यहाँ आना जाना बहुत रहता है, दर्शन करने आते हैं काफ़ी देश विदेश से, तो यहाँ पे अच्छा जगह है जहाँ से कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दे सकें सफाई की करवा के। पब्लिक है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम पब्लिक को यही मैसेज है हमारा कि अपना सराउंडिंग्स है, अपना जहाँ रह रहे हैं आसपास की जगह को साफ रखें जिससे कि वो स्वस्थ रहें, बीमारी पैदा ना हो और अपना मन स्वस्थ रहे और अच्छा काम करें। भाई इस मंदिर में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से दर्शन करने आई महिला लीना सिंगल का कहना है कि फौज के द्वारा सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। हम लोगों को जो सामाजिक मुद्दे जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और स्वच्छता पर मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। SSB द्वारा उठाया गया ये कदम हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम लोग भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। लीना सिंगल, मैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका धामपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हम लोग यहाँ जम्मू आए थे माता के दर्शन करने के लिए, तो आज ये बाहू माता के दर्शन भी करने आए हैं, तो यहाँ देखा हमने कि यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि हम अपने देश को स्वच्छ बनाए स्वस्थ बनाए, तो उसके अंतर्गत आज यहाँ पे सफाई कार्यक्रम चल रहा था फौज के द्वारा। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि उनके माध्यम से एक प्रेरणा समाज को भी मिल रही है कि हम सब अपने आसपास सफाई रखें। कोई मैसेज जो आम पब्लिक को आप देना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है, वहाँ संयोजक के रूप में मैंने काम किया है, तो ये सामाजिक मुद्दे हैं जो हम सबको मिलकर उठाने चाहिए, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या बेटी बचाओ का मुद्दा है, ये सब हमें मिलकर उठाएं तभी हम ये सफल हो पाएंगे इन अभियानों के माध्यम से। SSB ने ये कदम उठाया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रेरणादायक है हम सबके लिए, और SSP द्वारा ये कदम वाकई में हम सबको प्रेरणा देता है कि हम सब भी अच्छा काम करें, अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छ रखें, स्वच्छता बनाए रखें। जम्मू से विजय कुमार, अलर्ट इंडिया न्यूज़।